बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। आप देखना शुरू कर चुके हैं बेडकार पीपल्स वॉइस। उत्तर प्रदेश 2022 के मिशन के अंदर सभी राजनीतिक पार्टियां जुटी हुई है। बीएसपी भी आपको बता दें कि पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में काफ़ी अलग मोड में नजर आ रही है। पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव को 2012 के चुनाव को देखें तो काफ़ी बदलाव इस बार देखने को मिल रहा है पार्टी में। ब्राह्मण सम्मेलन हो, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हो, सोशल मीडिया पर एक्टिविटीज हो, लगातार कार्यकर्ताओं की बैठक मुलाकात हो, मुख्तार अंसारी जैसे नेताओं को बाहर निकालकर गुंडे मवालियों को टिकट नहीं देने का ऐलान हो, इस तरीके की काफ़ी बड़ी बातें हैं जो बहुजन समाज पार्टी को अलग बना रही है। लोकसभा चुनाव के अंदर भी पार्टी से बाहर नहीं निकलने वाले बहन जी ने आपको बता दें कि इस बार ऐलान किया है कि 9 अक्टूबर को उनकी तरफ से कांशीराम स्मारक रैली जो है लखनऊ में स्थित उनके ऊपर एक बड़ी कार्य मान्यवर साहब कांशीराम जी की जयंती के ऊपर पुण्यतिथि के अवसर पर एक बड़ा विशाल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हर विधानसभा सीटों से 1,000 लोगों को कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, बड़ी संख्या में लोग उमड़ेंगे। तो ऐसे आपको बताने की कोशिश करें तो एक खबर आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी पूरी तैयारी से इस बार के 2022 विधानसभा चुनाव में जुटी हुई है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी के ये जो पूरा कार्य है, जितने उनकी तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, ये कितने कारगर साबित होंगे ये तो चुनाव के परिणाम नतीजे ही बताएंगे। लेकिन दरअसल जो भी हो, 2022 के विधानसभा चुनाव में जुटी बहुजन समाज पार्टी इस बार काफ़ी अलग मूड में नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी ने इस बार आपको बता दें कि काफ़ी बड़े फैसले लिए हैं। इन फैसलों का कितना असर होगा, कितना जनता में ये छवि बना पाएंगे, जितना के बीच में कारोबार क्या होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लिए सबसे बड़ी कमी जो आ रही है वो क्षेत्रीय नेताओं की आ रही है। पार्टी के पास दमदार क्षेत्रीय नेताओं की कमी बहुत ज़्यादा खड़ रही है। हर विधानसभा सीट पर एक मजबूत नेता की जो पार्टी में पहले हुआ करता था, उसमें कहीं ना कहीं पार्टी के पास आपको बता दें कि कमी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी को पिछले चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा था। 2017 और 2019 दोनों में यही वजह रही कि पार्टी चुनाव हार गई। मिलेंगे इस नए वीडियो में अपडेटों के साथ। अब तक आपसे रहते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप किसी भी प्रकार का आपसे कोई सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर नूरतराम लोरोली सर्च करके मैसेज जरूर करें।